तो विश्व बाजार में जहां कार का बाजार कमजोर पड़ता जा रहा है, वहीं भारत में नई गाड़ियों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। अब लोग एडवेंचर यूटिलिटी व्हीकल पर ज्यादा फोकस करने लगे हैं, इसलिए इस बार के ऑटो एक्सपो में ड्यूस डी मैक्स ने बी क्रॉस पेश की है। मेक इन इंडिया पहल के आंध्र प्रदेश में ये गाड़ी बननी शुरू हो गई है। डी मैक्स वी क्रॉस ऊबड़ खाबड़ सड़कों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसे हाई राइड पर्सनल व्हीकल के रूप में भी बनाया गया है। देखिए हमारे संवाददाता सुमन कुमार की ये खास रिपोर्ट। एडवेंचर स्पोर्ट्स में यकीन रखते हैं तो आपके लिए अच्छी अच्छी गाड़ियां आई हैं, और ये गाड़ियां लॉन्च की हैं इसुजू ने डी मैक्स वी क्रॉस करके। ये गाड़ियां अलग अलग इसके जो फीचर्स हैं उसके लिए हमारे साथ शंकर जी हैं। शंकर जी, अपन जब सोचते हैं कि हिंदुस्तान में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बाइक को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन जब इस तरह की गाड़ियाँ आपने लॉन्च की, इसके पीछे मकसद क्या? पहली बात तो इंडिया में हर तरह की गाड़ियाँ हैं। अगर कार की तरफ देखोगे आप, स्मॉल कार, कॉम्पैक्ट, सब कॉम्पैक्ट, क्रॉसओवर, लग्जरी, प्रीमियम, हर किस्म के मतलब कार्स हैं। और अगर एसयूवीज देखोगे आजकल, मतलब सब कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट एसयूवीज भी आने लगे हैं। पर सही तौर पर अगर कोई एडवेंचर स्पोर्ट या मतलब उस तरह की यूज़ करना चाहता है तो इन गाड़ियों को यूज़ करना नामुमकिन है। सो आपको सही तरह से एक पिकअप जो ऑफ रोडिंग कैपेसिटी 4x4 हाई राइड, जिसके पीछे मतलब आप कई किस्म के सामान या मतलब इक्विपमेंट ले जाना चाहोगे तो वो सिर्फ ये ऐसे पिकअप में हो सकता है। इसके अपने प्राइस क्या रखी है और गाड़ी के और क्या क्या फीचर्स हैं? अच्छा, इसको हम कहते हैं कि इंडियाज फर्स्ट एडवेंचर यूटिलिटी व्हीकल। हाँ, तो जैसे मतलब अंदर आप पूरे एसयूवी की तरह मतलब सारे सहूलियत हैं, तो उसके पीछे की जगह पे आपको मतलब ऐसे ओपन कैबिन मिलता है जिसको मतलब आप कई तरह के यूजेस डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ दिखाया कई और गाड़ियों में कि साइकिल ले जाओ, एटीवी ले जाओ, बैगेज ले जाओ, क्लोज करो, ओपन करके रखो, हर किस्म के पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। सो इट इज ओपन टू मेनी न्यू पॉसिबिलिटीज जो पहले नहीं हो सकता था। चाहे मतलब बेशक आप एक एसयूवी की गाड़ी में मतलब साइज ज्यादा हो भी सकता है, बट अंदर का कैपेसिटी थोड़ा लिमिटेड ही होता है, तो पिकअप में वो लिमिटेशंस खत्म किया जाता है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हम जब भी इंडिया की बात करते हैं तो अभी भी जहन में आता है कि लाखों करोड़ों में गाड़ी खरीदने वाले लोग हैं, लेकिन एडवेंचर स्पोर्ट इस तरह की गाड़ियों पे अभी तक कंपनी फोकस नहीं होती। हाँ, सही बात कह रहे हैं। मतलब इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट भी पिछले 15-20 साल में काफी मैच्योर होते जा रहा है, पर उसमें ऑप्शंस भी बहुत सारे आए हुए हैं जो हम पहले सोचते थे कि कभी नहीं देख पाएंगे, और आजकल के लोग मतलब और एडवेंचरस होने लगे हैं, जिसकी वजह से वो मतलब नए ऑप्शंस को भी सोचने के लिए मतलब मन करते हैं उनके लिए। तो चलिए मैं आपके साथ चलूंगा, जरा मुझे आप उधर दिखाइए कि उसमें कौन कौन सी गाड़ियां, क्योंकि आपने सिर्फ इसे दिखाई हमें, इसके अलावा और कौन कौन सी इसमें कौन कौन से वेरियंट्स हैं? अच्छा, इसमें बेशक वेरिएंट एक ही हो, बट पॉइंट ऐसा है कि मतलब यूजर्स कहीं हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ दिखाया, लाइफस्टाइल एसोसिएशन, चाहे अर्बन एरिया में भी करें, या आप लगेज बैगेज नॉर्मल बैगेज ले जा रहे हैं फैमिली के साथ, वो भी हो सकता है, या बाइसाइकिलिंग, जैसे नया एक एडवेंचर स्पोर्ट शुरू हुआ है, कई लोग मतलब साइकिलिंग करते हैं आजकल, आप साइकिल ले जा सकते हैं, साइकिल के साथ सामान भी ले जा सकते हैं, फिशिंग जा रहे हैं, कैंपिंग जा रहे हैं, एटीवी ले जा सकते हैं, जैसे हमने एक गाड़ी में दिखाया आपको, मतलब ऑल टेरेन व्हीकल भी हमने लोड करके रखा है। तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारे हैं, और इसको दिखाने के लिए हमने ये पिलर सारे मतलब खड़ा किया है, जहाँ पे मतलब लोगों को मतलब पता लगे कि इसका कई यूजेस जो मतलब नॉर्मल तौर पर मतलब शायद समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा फोकस प्रोग्राम है, तो इसमें क्या कंपनी अपन हिंदुस्तान में भी लगाएंगी या फिर हम बाहर से ही इंपोर्ट करेंगे? अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब हमारी फैक्ट्री श्री सिटी इन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश नियर तमिलनाडु बॉर्डर ऑलरेडी नियरिंग कंप्लीशन है, और अप्रैल में हम उसको इनॉग्रेट करने वाले हैं, और ये जो गाड़ियां हैं उस नए फैक्ट्री में बनने वाले हैं। एक्चुअली ये जो गाड़ी है अभी उसी फैक्ट्री में बना हुआ है,
सीरीज प्रोडक्शन जब भी शुरू होगा अप्रैल में, और इसलिए हम ये कहते हैं कि मेक इन इंडिया का एक सही एग्जांपल है इज़ुज़ू मोटर्स इंडिया का ये प्रोजेक्ट। कितनी लाख करोड़ का अब पूरा प्रोजेक्ट जो है, कितने हजार करोड़ का क्या उसका? ये प्रोजेक्ट है 3,000 करोड़ का, और हमने प्लांट बना रहे हैं 107 एकड़ पे, एक 50,000 इनिशियल कैपेसिटी के साथ, जो मतलब हम आगे बढ़ाना चाहते हैं 1,20,000 तक कहीं कुछ सालों में। और खास तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि मतलब हम इस गाड़ियों को 70% तक लोकलाइजेशन करा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कोई इम्पोर्टेड गाड़ी नहीं है, ये कोई CKD नहीं है, ये गाड़ी मतलब बनेगी इसी देश में और 70% तक लोकलाइजेशन शुरुआत में, और आगे बढ़ते बढ़ते हम इसको 100% तक ले जाने के लिए कोशिश में भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिसको देखकर ऐसा लगा कि वाकई में क्योंकि ये हिंदुस्तान में ही बनने हैं, और हम आप जब कभी घर से बाहर निकलते हैं तो सोचते हैं कि अपने सामान को कैसे ले जाएं, तो आप देखिए इसी गाड़ी की एक वेरिएंट है जिसमें कि पीछे ये बाइक लगी हुई है, दूसरे हिस्से में देखेंगे तो साइकिल भी लगी हुई है, तीसरे में आप देखेंगे तो टायर भी रखी गई है, और भी क्योंकि ये हिंदुस्तान में ही बन रही है, डिजाइन भी इसका यही किया जा रहा है, इसलिए तो इन्होंने शंकर जी ने बाकी बहुत अच्छी बात कही कि हम पूरी तरह से लोकलाइज डिजाइन जो है उसको फोकस कर रहे हैं। वाकई बहुत अच्छी बात है, और मेक इन इंडिया से रोजगार की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, उसको देखते हुए तो ये लगता है कि ये प्रोजेक्ट फिलहाल एडवेंचर स्पोर्ट्स की हम जब बात करते हैं या गाड़ियों की बात करते हैं तो अपने पास विकल्प बहुत कम ही होता है, लेकिन यहाँ वो विकल्प मिला है और वाकई में ये काबिले तारीफ है। इस समय ग्रेटर नोएडा से कैमरामैन RP के साथ सुमन कुमार।